मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं दिन भर के हालात इस वक्त क्या गुजर रहे हैं। कर्नाटका के शहर बेलगावी में इस वक्त जो है MLC यानी ग्रेजुएशन और टीचर्स MLC के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। इससे पहले इन्होंने एक फंक्शन बुलाया जिसमें काफ़ी लोग जमा थे और बहुत सारे लीडर यहाँ पर जमा हुए और अपने अपने ख्याल पेश करने लगे। इसमें रमेश कुर्ची जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत ही मशहूर मारूफ MLA रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से 2 बार, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। इसी तरह से लक्ष्मी हेब्बाल करते और भी बहुत सारे लीडरों ने स्टेज पर बैठे और अपने अपने ख्यालात पेश किए और प्रकाश हुक्केरी को और ग्रेजुएशन के जो MLC के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो नॉमिनेशन भर रहे हैं, उनके लिए वोट डालने की अपील की। इनका मकसद बस यही है कि बहुत ही जल्द कर्नाटका स्टेट का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इसमें जो कांग्रेस की जीत हासिल करना उनका मकसद है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में कांग्रेस का हाल जो है बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ये समझ के बाहर है। कांग्रेस UP में बुरी तरह हार चुकी है और कई स्टेटों में हार रही है। अब कांग्रेस उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बचा हुआ है। इस संदर्भ में जब नॉमिनेशन DC ऑफिस बेलगांव में भरा गया, उस वक्त जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिवकुमार मौजूद रहे और वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारके वाली, सिटी प्रेसिडेंट राजू सेठ भी उस वक्त मौजूद रहे और कई सारे बड़े बड़े नेता और प्रकाश हुक्केरी के बेटे भी वहां पर मौजूद रहे और भी बहुत सारे लीडर जिनमें किरण साधन नवर भी थे, पवन भी थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। माइनॉरिटीज की तरफ से यहाँ पर मौजूद जो लोग थे, अल्लाह बख्श इनामदार, सलीम खतीब, रसूल मुल्ला और भी बहुत सारे लीडर और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के लीडर, महिलाएं इसमें शामिल रही, जिसमें मूसा आई गोरी खान थे, तबस्सुम मैडम भी थी और बहुत ही मशहूर और मारूफ लीडर्स जो माइनॉरिटीज़ के तरफ से, उन्होंने शिरकत फरमाकर और भी इस फंक्शन में 2-4 चांद लगाने की कोशिश की है। और इस तरह से जो प्रोग्राम हुआ, अब बस यही मकसद है कि इस कैंडिडेटों को जिताकर आगे की तरफ किस तरह से कांग्रेस की भलाई का और कांग्रेस की ताकत को मजबूत करने का काम किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से कुछ लीडरों ने अपने ख्यालात भी पेश किए। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और देखते हैं कुछ लीडर्स ने अपने ख्यालात पेश किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और किस तरह का माहौल आज बेलगावी DC ऑफिस में मौजूद रहा। KS हेल्थ जोन की तरफ से एक रिवॉन्टेड यानी रिसेप्शन ग्रेजुएट रिसेप्शन की जरूरत है जो फीमेल है और SSLC पास फीमेल क्वालिफाइड नर्सेस की जरूरत है। राबता कायम करें, उनका फोन नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है। SG फ्रूट्स, फ्रूट मार्केट बेलगावी में एक ऐसी मशहूर मारूफ दुकान है जिसके ओनर सलीम गोल वाले हैं। यहाँ पर हर तरह के आम आपको दस्तियाब है। ये आम का सीजन है और बहुत ही बेहतरीन, लजीज और हर तरह के आपूस आम, पायरी और हर तरह के क्वालिटी के आम आपको यहाँ पर बहुत ही वाजिब और कम दामों में मिलेंगे। यहाँ विजिट करना न भूलिए। हमारी अपील है, एक टाइम विजिट कीजिए, फिर आपको ये कहना न पड़े कि कोई हमें बताया नहीं है। SG फ्रूट, फ्रूट मार्केट बेलगावी। ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲೋಕಸಭಾವರೆಗೆ ಇವತ್ತು MLC ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, MLA ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ, ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನಿತ ಏನು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಸಿಗದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು MLC ಆದಂಥ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂಥ, ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಸದಸ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಅರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2014ರಿಂದ ಇವತ್ತು 2021 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೇವಲ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಲೀಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು. यहाँ पर कौजल के साहब है, जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, जिस तरह से MLC नॉमिनेशन हो रहे हैं जो एजुकेशन का और टीचर्स का, उसके बारे में हम कौजल के साहब से पूछेंगे. ये जो चल रहा है सिचुएशन, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? व्हाट इज योर एम? ऐन इवत मूरू जिले मूवत्मू मतक्षेत्र ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्युएंसी के मत शिक्षक क्षेत्र के नॉमिनेशन पक्षद वत आटली कुछ नॉमिनेशन अंत इवतु ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ವಿಧಾನಸಭಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना